सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस इंडक्शन मीटिंग में, जो स्पेशली हमें हिंदी प्रोग्राम के विद्यार्थियों के लिए रखी गई है। लेकिन जो इंस्ट्रक्शंस हम दे रहे हैं, ये एप्लीकेबल टू ऑल होता है। जो भी मास्टर लेवल के जितने भी प्रोग्राम हैं, उन सभी के विद्यार्थियों के लिए। कुछ बातें हम लोग स्पेसिफिक हिंदी विषय की, जो आपका एमए हिंदी प्रोग्राम है, उससे भी कर लेंगे। और मेरा अनुरोध है कि हम अभी कुछ आपको प्रेजेंटेशन देंगे और अपनी तरफ से बातें बताएंगे आपको, और आपके सवाल अगर कोई हो तो आप चैट बॉक्स में लिखते रहिएगा और हैंड रेज कर दीजिए। जो हम मीटिंग, जब हमारा प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद हम आपके सवालों के जवाब देंगे, और आपको भी सवाल अपने आप को अनम्यूट करने का भी मौका आपको देंगे कि आप अनम्यूट करके अपने सवाल पूछ सके। तो उस दौरान आप सभी से अनुरोध है कि कृपया कोई स्क्रीन शेयर ना करें बीच में, अपने आप को अनम्यूट ना करें जिससे कि डिस्टरबेंस हो। और तो मैं आपको कुछ प्रेजेंटेशन के माध्यम से कुछ चीजें दिखाऊंगा। अमूमन आप सभी विद्यार्थी इग्नू में पहली बार एडमिशन लिए होंगे, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो पहले भी इग्नू से कोई प्रोग्राम या कोर्स जिन्होंने कर रखा होगा। तो जो भी विद्यार्थी जो हैं वो नए हैं, वो इग्नू की वेबसाइट से अभी तक जरूर परिचित होंगे। और नाउ आई एम स्टार्टिंग स्क्रीन शेयर। उम्मीद है कि मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही होगी। डॉक्टर पांडे, स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ, स्क्रीन दिख रही सर, दिख रही है। हाँ ठीक है। ये इग्नू की वेबसाइट है, ignu.ac.in। सभी विद्यार्थी इस वेबसाइट से परिचित जरूर होंगे, जो नहीं है वो जरूर परिचित हो ले इस वेबसाइट से। ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट कांटेक्ट पॉइंट है, क्योंकि जो आपकी जितनी भी ऑनलाइन गतिविधियां हैं उसके मेजर पोर्शन यहाँ से संचालित होता है। ये स्टूडेंट सपोर्ट है, और ये स्टूडेंट सपोर्ट लिंक है। इसमें देखिए, स्टूडेंट जोन, डाउनलोड्स, रिजल्ट्स, और ये रजिस्टर ऑनलाइन है। रजिस्टर ऑनलाइन में फ्रेश एडमिशन आपने इस लिंक के जरिए लिया होगा। यहाँ से आप री रजिस्ट्रेशन यानी सेकेंड ईयर में आपको यहाँ से एडमिशन लेना है, और टर्म एंड एग्जाम फॉर्म आप यहाँ से भर पाएंगे। जब आप एग्जाम फॉर्म देखिए, आज सुबह भी एक मीटिंग रखी गई थी, उसमें एक कोऑर्डिनेटर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई थी। एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू पर हमारा ध्यान आकृष्ट किया था कि ट्रेडिशनल यूएसटी में जैसे आपने एडमिशन ले लिया तो आप स्वतः ही एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है। प्लीज आप अपना माइक ऑफ रखिए, सच्चिदानंद जी माइक ऑफ रखिए। माइक के साथ मतलब मोबाइल, आप सिंपली प्रेजेंटेशन सुनिए, उसके साथ बहुत छेड़छाड़ मत कीजिए, वो डिस्टरबेंस पैदा करता है। प्लीज तो ये रजिस्टर ऑनलाइन है, तो आपको एग्जाम फॉर्म अलग से भरना होगा, तभी आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होंगे। एग्जाम फॉर्म आपको, आपका जुलाई सत्र का एडमिशन है, थोड़ी प्रक्रिया एडमिशन कंफर्मेशन होते होते थोड़ा लेट हो गया कोरोना की वजह से, क्योंकि तो बाकी रेगुलर मोड की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन काफी लेट तक चला, और यूजीसी की गाइडलाइंस पे हमको भी एडमिशन की डेट एक्सटेंड करती रहनी पड़ी कि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को मौका मिल सके एडमिशन का और उनका साल ना खराब हो। तो डेट एक्सटेंड होती गई, लेकिन आपका जो सत्र है वो जुलाई जुलाई 2021 2021 सत्र सत्र का, जो फर्स्ट ईयर की परीक्षा होती है वो जून 2022 में होती है। जून 2022 में आप परीक्षा देंगे, और उससे पहले मार्च अप्रैल में आपको एग्जाम फॉर्म भरना होगा। वो टर्म एंड एग्जाम लिंक यहां से आप अपना भर सकते हैं, और वो कुछ इस तरीके का लिंक है। तो थोड़ा सा ओपनिंग में प्रॉब्लम है, शायद नेटवर्क कनेक्शन स्लो है। ये देखिए, ये एग्जाम फॉर्म है। आप यहाँ पर आप एक डिक्लेरेशन क्लिक करके आप यहाँ से एग्जाम फॉर्म, ये प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म, आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं, जो कि आपको मार्च अप्रैल में भरना है।
और मार्च अप्रैल 2022 में, मार्च अप्रैल 2022 में दो इम्पोर्टेंट काम आपको और करने हैं एग्जाम फॉर्म भरने के अलावा। आपको असाइनमेंट जमा करना है और आपको अपना सेकेंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन कराना है। सेकेंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन फर्स्ट ईयर के एग्जाम से पहले ही हो जाते हैं। ये आपका री रजिस्ट्रेशन लिंक है। री रजिस्ट्रेशन इसलिए फर्स्ट ईयर के एग्जाम से पहले हो जाते हैं कि आपका समय पर प्रोग्राम पूरा हो सके। हमारे यहाँ एक री रजिस्ट्रेशन के लिए एक लंबा गैप 2-3 महीने का दिया जाता है सभी विद्यार्थियों को। ऑल ओवर इंडिया में री रजिस्ट्रेशन यानी सेकेंड ईयर में एडमिशन एक ही समय पर होता है सभी विद्यार्थियों के लिए। एक बार में अमूमन 6 से 7 लाख विद्यार्थी री रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो थोड़ा लंबा पीरियड लेकर हम लोग चलते हैं, जिस वजह से उनके डेटा कलेक्ट करने में, और जब आप री रजिस्ट्रेशन लिंक को यहाँ पर क्लिक करते हैं री रजिस्ट्रेशन को, तो इस तरीके से एक री रजिस्ट्रेशन लिंक यहाँ खुलता है। आप यहाँ पर जाके आप प्रोसीड फॉर री रजिस्ट्रेशन, आप अपना सेकेंड ईयर में एडमिशन लेंगे मार्च अप्रैल में, ये लिंक खुल जाएगा, ये लिंक आपके लिए ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए, आप अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन कराना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन बहुत आसान है, आपका एनरोलमेंट नंबर है वो आपका वही, आपको जैसे सेलेक्ट प्रोग्राम, आप एमएचडी अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे, अपन नाम लिखेंगे यहाँ पे, एनरोलमेंट नंबर जो आपको मिला है वो, और ये कैप्चा एंटर करके आप अपने आप को रजिस्टर करा लेंगे। आपके मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्टर कराया है उस पर एक ओटीपी जाता है, उस ओटीपी के जरिए आप अपने आप को रजिस्टर करा लेंगे। ये आप लिंक को अभी भी रजिस्टर करा सकते हैं, री रजिस्ट्रेशन भले आप बाद में करें, क्योंकि इससे बाकी सुविधाएं जैसे एग्जाम वो स्टडी सेंटर चेंज या बाकी सुविधाएं आपको इस लिंक से मिलती हैं, तो इस पे आप अपने आप को रजिस्टर जरूर करा लें। और ये री रजिस्ट्रेशन की बात होगी। इसके अलावा तीसरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो है वो है आपका असाइनमेंट, फर्स्ट ईयर के सभी पेपर्स के आपको असाइनमेंट, क्योंकि एमए हिंदी है, सभी थ्योरी पेपर है, इसमें प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट जैसा कोई भी प्रोग्राम नहीं है, तो आपको सभी के असाइनमेंट जो भी 4 पेपर होंगे या वो, उसके सभी के असाइनमेंट आपको जमा करने हैं। तो ये स्टूडेंट सपोर्ट में स्टूडेंट जोन लिंक या डाउनलोड्स में भी आप सीधे आपको असाइनमेंट का लिंक उपलब्ध है यहाँ पर भी, डाउनलोड्स में भी। लेकिन आप स्टूडेंट जोन पे अगर क्लिक करते हैं तो देखिए सारे ये खुल गए, रजिस्ट्रेशन स्टेटस यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अगर मैं रजिस्ट्रेशन स्टेटस की बात करूं तो अनुपम, एक एनरोलमेंट नंबर जरा मुझे चैट बॉक्स में लिख के दे देना किसी भी विद्यार्थी का। ये देखिए, हाँ ओके, थैंक यू, आई हैव गॉट वन एनरोलमेंट नंबर, ये है 210800101, और ये किसी विद्यार्थी का एनरोलमेंट नंबर है, और ये सभी को आपको सबको ये एनरोलमेंट नंबर प्राप्त हुआ होगा। आप अपना एनरोलमेंट नंबर लिख करके अपना प्रोग्राम एमएसडी इंटर करके और यहाँ सबमिट करेंगे, तो ये देखिए आपका डिटेल यहाँ पे, विद्यार्थी का नाम है, आपका एडमिशन 2 जुलाई 2021 सत्र के लिए हुआ है जैसा मैंने बताया ये, और जून 2025 तक आपका एडमिशन वैलिड है। इस दौरान आप अपना प्रोग्राम पूरा कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर में आप एडमिशन ले लिया, सेकंड ईयर में आप इसी मार्च अप्रैल में एडमिशन ले लेंगे, तो आपको इसके अलावा एडमिशन की कोई फीस दोबारा जून 25 तक नहीं जमा करनी। उससे पहले आपके पास मौके हैं। हमारे यहाँ सभी विद्यार्थी, कुछ ऐसे भी हैं जो जॉब में हैं या अन्य कारणों की वजह से 2 साल के अंदर अगर प्रोग्राम नहीं कंप्लीट कर पाते, तो उनको एक थोड़ा एक्सटेंडेड पीरियड भी का लाभ मिल जाता है। तो ये आपके कोर्सेज हैं, ये देखिए MHD 2, MHD 6, MHD 4, MHD 3। यहाँ पे आप अपना ग्रेड कार्ड चेक करते हैं, जब आप एग्जाम देते हैं तो उसके मार्क्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं, और ये असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस है। जब आप असाइनमेंट जमा करेंगे तो उसके मार्क्स, असाइनमेंट आपका मार्क्स चढ़ गए कि नहीं चढ़ गए, वो इस सबमिशन स्टेटस से पता कर सकते हैं। लेकिन इससे थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा कि असाइनमेंट जैसे आपने आज जमा किया और कल आप जाकर के उस स्टेटस पे चेक करें कि यार हमारा स्टेटस दिखा नहीं रहा है, इसमें 2-3 महीने लगते हैं, क्योंकि जब आप असाइनमेंट एक क्वेश्चन पेपर के आंसर लिख करके आप स्टडी सेंटर पर जमा करते हैं तो उसको इवेल्युएट होने में, उसकी प्रोसेसिंग में 1-2 महीने का टाइम लग जाता है, तो 2 महीने बाद आप उसको चेक कर सकते हैं। टर्म एंड एग्जाम फॉर्म, जिस दिन आप एग्जाम फॉर्म भर देंगे उसके 2 दिन बाद आप यहाँ पर टर्म एंड एग्जाम फॉर्म सबमिशन स्टेटस अपना चेक कर सकते हैं। ये टर्म एंड असाइनमेंट पेपर यहाँ पे अवेलेबल है, आप टर्म एंड असाइनमेंट पेपर यहाँ से आप
देखिए ये असाइनमेंट पेपर्स, सारे असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो कि हम यहाँ पे स्टूडेंट जोन में, जो हमने स्टूडेंट जोन क्लिक किया था स्टूडेंट सपोर्ट में, तो ये पेज खुला था, असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर्स यहाँ भी अवेलेबल है, ये देखिए। और रजिस्ट्रेशन स्टेटस या एडमिशन पे आप जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक करते हैं, तो ये पेज खुलता है, यहाँ भी टर्म एंड असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर टर्म एंड क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर, ये पुराने सालों के क्वेश्चन पेपर यहाँ भी अवेलेबल है, या आप पुराने साल के क्वेश्चन पेपर आप चेक करके देख सकते हैं। कि मैं पहले असाइनमेंट की बात कर लूं जो आपको मार्च अप्रैल में जमा करने हैं, ये एमए हिंदी आपका विषय है या कोई भी प्रोग्राम, जैसे एमए इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, हर तरीके के यहाँ पर प्रोग्राम, मास्टर लेवल प्रोग्राम, नीचे बैचलर है, उसके नीचे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, देन डिप्लोमा, और लास्ट में सर्टिफिकेट। मतलब दिस इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द वेटेज ऑफ द प्रोग्राम। जैसे मास्टर सबसे बड़ा प्रोग्राम है, तो मास्टर ऊपर है, फिर उसके नीचे बैचलर है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, डिप्लोमा, फिर सर्टिफिकेट प्रोग्राम। तो ये देखिए, आप एमए हिंदी अगर हम टाइप करें यहाँ पे, ये देखिए, ये एमएचडी आपका प्रोग्राम है, देखिए एमएचडी यहाँ पर है, ये एमएचडी को हम खोलते हैं, तो देखिए जुलाई 2021 सत्र के आप विद्यार्थी हैं, तो आपके लिए ये असाइनमेंट यहाँ पर अवेलेबल है। एमएचडी टू आपका एक पेपर है, एमएचडी टू देखिए, पहला पेपर 3, 4, 6, तो ये एमएचडी टू के ये क्वेश्चन पेपर है। आपको इसका जवाब अपने किताबों से खोज करके, पढ़ करके, अपने भाषा में लिखना है, सादे कागज पे, A4 साइज का पेपर होगा, टाइप्ड असाइनमेंट नहीं चलेंगे, टाइप किए हुए असाइनमेंट आपको हाथ से लिखना है, A4 साइज के पेपर पर। आइडियल कंडीशन वही है, रूल वाले हो, लाइन वाले हो, या सादे कागज हो, उसके ऊपर आप ये क्वेश्चन पेपर लगाएंगे, सभी क्वेश्चन के उत्तर लिख करके आप ये क्वेश्चन पेपर लगाएंगे, और सबसे ऊपर आप अपना नाम, इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम, अपना डिटेल, मोबाइल नंबर जरूर दीजिएगा, अगर कोई दिक्कत होगी तो आपसे इवेल्युएटर कांटेक्ट कर पाएगा, स्टडी सेंटर की, आपने इनरोलमेंट नंबर सही लिखिएगा और उसको अपने स्टडी सेंटर पर जमा कीजिएगा। चारों पेपर के अलग अलग असाइनमेंट जमा होंगे, एक ही बंडल में नहीं होगा, अलग अलग स्टेपल करके चारों पेपर के असाइनमेंट, चारों के क्वेश्चन पेपर, और चारों के ऊपर आप अपना डिटेल लिखेंगे सबसे ऊपर वाले कागज पर। ये असाइनमेंट की बात हो गई, ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पे क्लिक किया था, तो ये देखिए 2008 से जून 2021 तक के सारे क्वेश्चन पेपर यहाँ पर अवेलेबल है। अब ये जून 2021 में जो सवाल पूछे गए थे, तो आप स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज यानी मानविकी विद्यापीठ के आप विद्यार्थी हैं, तो मानविकी विद्यापीठ में, या सिंपली आप एमएचडी अगर कंट्रोल एफ करके सर्च ऑप्शन में जाके एमएचडी टाइप करते हैं, देखिए एमएचडी 1 to 7 यानी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों के क्वेश्चन पेपर यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप जा करके आप देखिए एमएचडी के सारे क्वेश्चन पेपर, जितने सेकेंड ईयर में आपके पास ऑप्शन होता है, फर्स्ट ईयर आपका कंपलसरी होता है, जितने पेपर हैं वो फर्स्ट ईयर में कंपलसरी हैं, 2, 3, 4, 6, सेकेंड ईयर में आपको इन बाकी में से चार पेपर चुनने होते हैं, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर जाकर के प्रीवियस ईयर में पहले कैसे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं वो एक आइडिया आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये देखिए इस तरीके का क्वेश्चन पेपर आता है, ये एमएचडी 1 हिंदी काव्य का क्वेश्चन पेपर है। और इसके अलावा मैं आपको स्टडी मटेरियल स्टेटस की जानकारी आप जरूर जानना चाहेंगे, कई विद्यार्थियों को मिल चुका होगा, कई को नहीं मिला होगा, तो मैं उसके बारे में जानकारी आपको दे दूं कि बनारस जिले के जितना भी विद्यार्थी जिनका एड्रेस बनारस जिला है, उनको हम लोग मैसेज भेज के बुला रहे हैं स्टडी मटेरियल के लिए, जिनके पास भी मैसेज आए वो आए हमारे पास स्टडी मटेरियल, जिनके पास नहीं आया है वो वेट कर लें थोड़ा सा। बनारस के बाहर के विद्यार्थियों के लिए स्टडी मटेरियल वहीं से दिया जाएगा, हेडक्वार्टर से उनके पते पर प्रेषित किया जाएगा। अगर आपने ऑनलाइन स्टडी मटेरियल ऑप्ट किया है 15% रिबेट के साथ, छूट के साथ, तो आपको ऑनलाइन ही स्टडी मटेरियल पढ़ना होगा। अब दूसरा है कि स्टडी मटेरियल स्टेटस आप जान भी सकते हैं कि आपका स्टडी मटेरियल, देखिए इग्नू के सर्च ऑप्शन में आप स्टडी मटेरियल स्टेटस आप टाइप करेंगे, तो आपको स्टडी मटेरियल का स्टेटस जानने में आसानी होगी कि आपका स्टडी मटेरियल कहाँ है। अगर कोई स्टेटस नहीं दिखा रहा है, जीरो दिखा रहा है, तो इसका मतलब कि अभी वो डिस्पैच नहीं हुआ है, जल्दी वो डिस्पैच हो जाएगा, क्योंकि एडमिशन प्रक्रिया बहुत देर तक चलती रही, 15 दिसंबर तक,
एडमिशन डेटा फाइनलाइज होने में टाइम लगा है। कई विद्यार्थियों ने 15 दिसंबर में आके एडमिशन लिया है, तो उस वजह से हमको उनका डेटा फाइनलाइज करने में और एडमिशन उनको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने में थोड़ा सा समय लग रहा है। ये देखिए एक एनरोलमेंट नंबर मैंने एंटर किया है। अब ये है जो भी स्टूडेंट हैं आप ही के बैच के, इनका देखिए इस बार कोड इस स्पीड पोस्ट नंबर से स्टडी मटेरियल उनका डिस्पैच किया जा चुका है। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी 3 दिसंबर और 28 दिसंबर है। आशा है उनको अभी तक अपना स्टडी मटेरियल उनके पते पर प्राप्त हो चुका होगा। इस तरीके से आप सभी अपना स्टडी मटेरियल स्टेटस इग्नू की वेबसाइट से ज्ञात कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज है, हमारी वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट है rcvaranasi.ignu.ac.in। इसको आप जरूर विजिट करें। आप अमूमन सभी लोग मेरे ख्याल में फेसबुक जरूर चलाते होंगे, तो ये फेसबुक लिंक है। हमारा ये आरसी वाराणसी की वेबसाइट है, लोकल हमारे रीजनल सेंटर की अपनी वेबसाइट है। हमारे रीजनल सेंटर से संबंधित सारी गतिविधियां यहाँ पर हम लोग दिखाते हैं और स्टूडेंट को अवगत कराते हैं। जैसे कोई भी डेट, असाइनमेंट की डेट, काउंसलिंग शेड्यूल, कब काउंसलिंग होगी, मतलब काउंसलिंग मतलब क्लासेस आपकी कब होंगी, और वो जो भी री रजिस्ट्रेशन, फ्रेश एडमिशन, एग्जामिनेशन के लिंक यहाँ भी अवेलेबल है। असाइनमेंट के यहाँ से भी आप सारे लिंक पर जा सकते हैं। और ये हमारा फेसबुक पेज है, ये आप जरूर विजिट करें, इसको लाइक करें, फॉलो करें, तो आपको लेटेस्ट अपडेट्स यहाँ से मिलते रहेंगे। ये फेसबुक पेज है हमारा, और फेसबुक इज द मोस्ट बिजी। हाँ ये देखिए, ये बैकग्राउंड ब्लैक रखा हुआ है हमने भी, तो ये देखिए आपको हम लोग यहाँ पे सारे अपडेट्स यहाँ पर देते रहते हैं। और ये नोटिफिकेशन है एग्जाम से रिलेटेड, बाकी चीजें हैं, जानकारियां हैं जो आपको यहाँ पर प्राप्त होती रहेंगी। आप इसको लाइक करें, फॉलो करें, जिससे कि आपको कोई अपडेट जो भी हम यहाँ करते हैं वो आपको प्राप्त होता रहे। और हमारा एक ट्विटर पेज भी है, ट्विटर हैंडल है ये twitter.com/ignuvaranasi। आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको लेटेस्ट जानकारियां मिलती रहे। स्टडी मटेरियल ई ज्ञान कोश जो है वो एक इम्पॉर्टेंट लिंक है। इग्नू की वेबसाइट पे होम सेक्शन में जाते हैं, जब आप साइट खोलते हैं तो आपको ई ज्ञान कोश पे ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, जब तक आपको हार्ड कॉपी नहीं आती है तब तक आप ऑनलाइन स्टडी मटेरियल भी यहाँ पर अपने डेस्कटॉप पे या अपने मोबाइल पर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इग्नू ई कंटेंट, इग्नू ई फॉर एजुकेशन कंटेंट अगर आप टाइप करेंगे इग्नू ई कंटेंट प्ले स्टोर पे, तो गूगल प्ले स्टोर से उसको आप डाउनलोड करके अपने मोबाइल पर भी आप इग्नू का कोई भी स्टडी मटेरियल, ना ही सिर्फ अपने एमए हिंदी प्रोग्राम का नहीं, किसी भी कभी प्रोग्राम का स्टडी मटेरियल यानी किताबें आप मोबाइल पर भी आप पढ़ सकते हैं। अब इग्नू ई ज्ञान कोश जो है ये द इंडियाज लार्जेस्ट रिपोजिटरी है जो किताबों की है। और ये देखिए आप इस पे जा करके अपना प्रोग्राम का स्टडी मटेरियल आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसको क्लिक करेंगे, थोड़ा सा आज नेट का इशू है, द सर्वर इज स्लाइट स्लो। ये देखिए यहाँ पर हमारे फेसबुक लाइव रिकॉर्डेड वीडियोस भी हैं, यूट्यूब वीडियोस भी हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स के, हमारा अपना जर्नल है। और यहाँ पे आप जैसे सर्च ऑप्शन में MHD अगर आप इंटर करते हैं तो देखिए ये MHD का ये सारा स्टडी मटेरियल यहाँ पर अवेलेबल है। आप क्लिक करते जाएंगे खुलता जाएगा है? और ये देखिए बाकी प्रोग्राम्स के सारे स्टडी मटेरियल 1, 2, 3, 4 यहाँ पर अवेलेबल है। ये कुछ जानकारी थी जो मैं आपको देना चाह रहा था। मुझसे कुछ चीजें रह जरूर गई होंगी, तो मैं डॉक्टर पांडे से कहूँगा कि वो बाकी जो चीजें रह गई हैं जिनको प्रेजेंट करना चाहते हो जरूर प्रेजेंट करें, और उसके पश्चात हम स्टूडेंट्स के सवाल लेंगे। धन्यवाद डॉक्टर पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक, और आपने बहुत विस्तार में चीजों को बच्चों से शेयर किया, और हमें लगता है हमारे विद्यार्थियों में जो करीब 63 की संख्या में इस समय अवेलेबल दिख रहे हैं, इंजॉय किया होगा,
हमारी एडमिशन की जो एक्सपर्ट टीम है वो लगातार चैट बॉक्स में आपके प्रश्नों के जवाब दे रही है। स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज की बात तो डॉक्टर साहब ने बड़े विस्तार से समझाया, मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि कुछ सपोर्ट सर्विसेज होती हैं जो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रेंडर करते हैं और आप उसको अवेल कर सकते हैं। जैसे आप रीजनल सेंटर स्टडी सेंटर ट्रांसफर की बात करें तो आप जिस भी अध्ययन केंद्र पर पढ़ रहे हैं अक्रॉस दी नेशन कहीं भी आप अपने ट्रांसफर ले जाएंगे और बाकी बची हुई शेष पढ़ाई आप नए स्टडी सेंटर पर पूरा कर सकते हैं और ये आपके एक एप्लीकेशन और के साथ ही कंप्लीट हो जाती है। कुछ फैसिलिटीज हैं जैसे कि एग्जामिनेशन जब देना होता है तो आप एग्जामिनेशन जहाँ भी रहते हैं किसी भी शहर में उस समय जब एग्जामिनेशन जून और दिसंबर में होते हैं तो आप एग्जामिनेशन के लिए उस शहर को ऑप्ट कर सकते हैं। आप इग्नोर एग्जामिनेशन सेंटर वाराणसी के स्टूडेंट होते हुए भी आप भोपाल में एग्जाम दे सकते हैं, विजयवाड़ा में आप एग्जाम दे सकते हैं, तो आपका स्कोप बढ़ रहा होगा। तो इसी तरह से आप तमाम बातों को देख सकते हैं और कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज हैं जैसे आपके 2 साल का प्रोग्राम है, आपको 2021 में एडमिशन लिया, 2025 तक आपको समय मिलता है कि आप अपने को पूरा कर सकें। तो मैक्सिमम वैलिडिटी आपको 4 साल की दी जाती है और इस 4 साल में भी आप अपने कार्यक्रम को पूरा कर सकते हैं। अगर कोई भी एग्जाम आपको छूट गया है, पेपर कोई जिसे आप कंप्लीट नहीं कर पाए, तो फिर से आप उसमें क्लियर हो सकते हैं। बैक का कोई वो प्रोविजन नहीं है, हम आपके हर बार के जो अपीयरेंस है उसको हम उसी समय का अपीयरेंस के काउंट करते हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं होती। करीब 10 लाख विद्यार्थी एक साल में एग्जाम में प्रवेश लेते हैं, 5 लाख फर्स्ट सेशन, और करीब 7 लाख विद्यार्थी एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं। और आपको बताएं कि कोई विद्यार्थी फेल नहीं होता एग्जाम में। क्यों फेल नहीं होता? क्योंकि फेल शब्द का हम प्रयोग ही नहीं करते हैं, हम नॉट कंप्लीटेड शब्द यूज करते हैं। इसका मतलब है कि आप आने वाले समय में जब तक आपकी मैक्सिमम वैलिडिटी बची हुई है आप पेपर को कंप्लीट कर सकते हैं, अपनी डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जिनको मैं बताना चाह रहा था। असाइनमेंट्स वगैरह के बारे में डॉक्टर साहब ने बहुत विस्तार से बताया है। आपके मास्टर ऑफ आर्ट इन हिंदी प्रोग्राम में कई ऐसे पेपर हैं जिन्हें हम कोर्स कहते हैं हिंदी भाषा में, और जिन्हें आप अभी तक कोर्स कहते थे उसको हम प्रोग्राम कहते हैं। तो आप ये टर्मिनोलॉजी को भी याद रखते हैं, जब भी हम कोर्स कहें तो इसका मतलब आप समझिए आपके एक पेपर की बात कर रहे हैं। तो कई ऐसे पेपर होंगे जो आपके रजिस्ट्रेशन स्टेटस में आपके सामने अंकित दिखाई देंगे। अभी से ही आप अपने असाइनमेंट को तैयार करना शुरू कर दीजिए। आप जून 22 में जब आपको परीक्षा देनी होगी तो उसके पहले 21 मार्च तक अपने असाइनमेंट जमा कर दें, और हर परीक्षा से 3 महीने पहले असाइनमेंट आपको जमा करना चाहिए। एक बार असाइनमेंट के मार्क्स आपके चढ़ गए तो दोबारा फिर असाइनमेंट जमा करने की जरूरत नहीं है। हर आप परीक्षा चाहे जितनी बार देने हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मित्रों, हमारे साथ और भी तमाम अध्ययन केंद्र के ऑफिसर जुड़े हुए हैं और मैं देखता हूँ, और मैं इस बीच में डॉक्टर संजय कुमार जी से आग्रह करूंगा, मोबाइल तो आप संजय जी जुड़े हैं, ठीक है? तो ये है सर, अगर आप इजाजत दें तो हम क्वेश्चन सेशन के लिए इसको ओपन करें। जी हाँ डॉक्टर साहब, जी हाँ। तो विद्यार्थियों देखिए, एक के बाद एक आप क्रम से एक साथ सभी लोग नहीं, अपने माइक को और वीडियो को अनम्यूट कीजिए और सीधे अपने प्रश्न को। जिन्होंने हैंड रेस किया उनको बुला लेते हैं। शशांक गौतम, शशांक गौतम जी जी सर, पूछना चाहेंगे सवाल? आप पूछिए। हाँ सर, सर नमस्कार। सबसे पहले आपको कि आपने एक तरह से हमारी जो भी प्रायर इन्फॉर्मेशन है उन सबको आपने दिया और मतलब सेटिस्फाई हूँ मैं। सर ये अभी बुक हमारी नहीं पहुंची है, मेरा तो रीजनल सेंटर इलाहाबाद प्रयागराज का एडीसी है, तो ये बुक देखिए मैंने सबके लिए बता दिया था कि जिनका नहीं पहुंचा है वो स्टडी मटेरियल स्टेटस पे जाकर के एक बार क्लिक करके वहां देख लें कि उनका स्टेटस कहाँ है, किताब उनकी कहाँ है।
वो दिखा रहा होगा कि अगर स्पीड पोस्ट बाय स्पीड पोस्ट चल रही है या नहीं चल रही। कब आपने लिया था एडमिशन? सर एडमिशन तो मैंने 15 दिसंबर या 10 दिसंबर के आसपास। अब सोचिए, अब आप सोचिए, जुलाई अप्रैल से एडमिशन चल रहा है, आपने दिसंबर में एडमिशन लिया है, तो किताब भेजने के लिए थोड़ा टाइम भी तो दे दीजिए। जी सर। तो मैंने बोला ना कि जो बहुत लेट लिए हैं विद्यार्थी उनको थोड़ा, जिनको पहले लिए उनको भी तक नहीं मिल पाई, आप तो अभी 20 दिन पहले एडमिशन लिए हैं, थोड़ा डेटा फाइनलाइज होने में। देखिए किताबों से सिलसिले में लगातार सवाल मत पूछिए आप लोग, मैं उसको एक वंस एंड फॉर ऑल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि स्टूडेंट के पते पर भेजी जा रही हैं, और आप चेक स्टडी मटेरियल स्टेटस पे चेक कर लें, लिंक हमने चैट बॉक्स में भी शेयर किया हुआ है हमारी टीम ने, और वो आप क्लिक करके अपना एनरोलमेंट नंबर डालिए, चेक कीजिए वो स्टेटस कहाँ है, और जो बनारस के विद्यार्थी जिनका एड्रेस बनारस का है उनको हम SMS भेज करके, ईमेल भेज करके उनको सूचित कर रहे हैं और किताबें उनको प्रोवाइड करा रहे हैं। अब मेरे ख्याल में किताबों से संबंधित कोई दूसरा सवाल नहीं आएगा। बाकी कुमारी नीतू ने रेज हैंड किया हुआ है, आनंद राज सिंह। जी सर प्रणाम, मेरा नाम मतलब धन्यवाद इस सेशन के लिए, बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हुई। सर प्रश्न यह था कि परीक्षा जब होगी तो परीक्षा का सेंटर क्या होगा, वो रिजनल सेंटर ही होगा कि कोई कहीं और हो सकता है? वो आप चूज कर ले, डॉक्टर पांडे भी अभी आपको बता रहे थे कि परीक्षा पूरे इंडिया में कहीं भी दे सकते हैं। बनारस के अंदर अंतर्गत पूर्वांचल के 19 जिले हमारे अंदर में आते हैं, तो हम कोशिश जिले में कम से कम एक सेंटर जरूर हो। तो आप एग्जाम फॉर्म भरते वक्त जो भी आपका नियरेस्ट सेंटर होगा, सुनील कुमार जी आप माइक ऑफ करके आप बाद में हंस लें, थोड़ा सा आप डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं। तो हम आप एग्जाम फॉर्म जब मार्च अप्रैल में जब ऑनलाइन भरेंगे तो आपको परीक्षा केंद्र की सूची दिखाई देगी, आप उसमें से जो भी नियरेस्ट एग्जाम सेंटर आपके पास होगा आप उसको चूज कर लें, वहां पे एग्जाम फॉर्म भर दें। वो थैंक यू आपके पास। दूसरी बात ये भी जान लें विद्यार्थी, आपके कोई भी एकेडमिक इंटरेस्ट या एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेरीज के लिए आपके अध्ययन केंद्र पर जाना बहुत जरूरी है, जिससे आप सिस्टम से परिचित हो पाएंगे। और रीजनल सेंटर एक रीजनल ऑफिस होता है, यहाँ ना कोई एकेडमिक एक्टिविटी होती है ना आपकी परीक्षा का कोई काम होता है, तो वो आपके अध्ययन केंद्र या कोई परीक्षा केंद्र जो निर्धारित होता है वही परीक्षा देनी होती है। जी अगला प्रश्न। और आशुतोष प्रसिद्धा अर्जुन सिंह थैंक यू सर। मेरा क्वेश्चन ये था, मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुआ था, तो मतलब जो MHD फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हैं MA हिंदी में, तो उनको भी रजिस्ट्रेशन करना है? रजिस्ट्रेशन जो मैंने लिंक दिखाया है उस पे करना है, री रजिस्ट्रेशन यानी सेकंड ईयर में एडमिशन आपको मार्च अप्रैल में कराना होगा। रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आपको अपना एक पासवर्ड और लॉगिन आईडी जनरेट, लॉगिन आईडी आपका एनरोलमेंट नंबर है, आपको एक पासवर्ड जनरेट करना होगा। और सर एक चीज थोड़ा सर क्वेश्चन है कि सर जैसे हम लोग को जो यहाँ ऑफिस है ADC में इलाहाबाद से हूँ मैं, तो सर जैसे कोई प्रॉब्लम आती है तो हम वहाँ मतलब पता कर सकते? वही डॉक्टर पांडे बता रहे थे, वही आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है रीजनल सेंटर की। ये इंडक्शन मीटिंग भी इनफैक्ट स्टडी सेंटर की ही जिम्मेदारी होती है, अध्ययन केंद्र की ही जिम्मेदारी है, लेकिन अभी ऑनलाइन हो रहा है तो हम सोचते हैं कि विद्यार्थियों से एज ए रीजनल सेंटर भी हम पहली बार मिल लें, एक बार मुलाकात कर लें, उनसे बात कर लें। आपका हर क्वेश्चन का पहला पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आपका अध्ययन केंद्र यानी स्टडी सेंटर ही है, जहां पे आपने एडमिशन लिया है, जिस भी जिले में जो भी अध्ययन केंद्र आपका है पहले आप वहीं जाएंगे और वो आपके समस्या का समाधान। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ आशुतोष प्रसिद्धा जानवी उपाध्याय। हेलो। हाँ सर प्रणाम, आशुतोष अयोध्या से हूँ, पर इलाहाबाद रीजनल सेंटर लिया हुआ है। एक सवाल ये था कि किताबें डिस्पैच हो गई हैं और MSD 4 और 6 आ भी गई हैं, पर 2 और 3 नहीं आया है। फिर वही सवाल यार, मैं कह रहा हूँ किताबों से रिलेटेड सवाल आप पहले स्टेटस चेक कर लीजिए, कोई समस्या आती है तो फिर आप हमें सूचित करें, मेल करें, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, 15 दिसंबर तक हमारे पास एडमिशन हुआ है। सर मैं बता रहा हूँ किताबें आ गई हैं पर 2 ही किताब आई, मैं समझ रहा हूँ कुछ कुछ की एक आध किताबें नहीं आई हैं। राजेश कुमार जी आप प्रेजेंटेशन को स्टॉप कीजिए, आपने प्रेजेंटेशन ऑन कर दिया।
जो भी आए आप पहले स्टेटस चेक कर लीजिए, नहीं आए तो जल्दी ही मिल जाएंगे आपको, हमारी पोस्ट भेजी जाएगी। ठीक है सर, धन्यवाद धन्यवाद। प्रश्न पूछ सकते हैं? सुनील कुमार। हेलो सर। हाँ पूछिए। यस सर। हेलो सर, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर अपॉर्चुनिटी। सर क्वेश्चन है कि सर ये जो असाइनमेंट बनेंगे इनकी सर हम ये कर रहे हैं। हाँ पूछिए पूछिए। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है सर कि जैसे हम जो असाइनमेंट बनाएंगे ये मुझे सेंटर पे जाके सबमिट करना होगा या हम उसकी हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी बना के पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं? नहीं नहीं, सॉफ्ट कॉपी सॉफ्ट कॉपी अभी नहीं, आपको हार्ड कॉपी ही उसको जमा करना है। वो सर सेंटर सेंटर पे जमा करने भी सर आपके हार्ड कॉपी और हैंड रिटन असाइनमेंट होंगे। हाँ सर, हैंड रिटन असाइनमेंट तैयार करके अपने अध्ययन केंद्र पर जाके जमा कर दें। असाइनमेंट लिखने से कोई दिक्कत आती है, समस्या होती तो आप अपने अध्ययन केंद्र पर जाके अपने विषय के विशेषज्ञ जिसे हम एकेडमिक काउंसलर के नाम से कहते हैं उनसे जरूर मिलें। सर आप म्यूट हो गए हैं माइक। सर आप म्यूट हो गए हैं। सर आप म्यूट हो गए हैं। अभी समय अध्ययन केंद्रों पर जाकर अपने अध्ययन केंद्र के स्टाफ से और अपने एकेडमिक काउंसलर से जरूर परिचित हो ले, क्योंकि पैंडेमिक पीरियड में वो बंद हो गया था, वो अनुभव फिर हो सकता, इसलिए आप उनके नंबर और उनके डिटेल्स अपने पास रखेंगे आपको बड़ा आसानी होगी पढ़ाई करने में। हाँ अगला प्रश्न। ओके सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। गुड इवनिंग सर, मेरा प्रश्न ये था कि जो आईडी कार्ड मिलता है वो हमें जाके स्टडी सेंटर से लेना होगा या फिर आरसी वाराणसी से ले सकते हैं? आईडी कार्ड आप सीधे डाउनलोड करेंगे, आपको जो कंफर्मेशन मेल गई है उसमें लिंक भी गया है, उसी लिंक से आप अपने एडमिशन रजिस्ट्रेशन का आईडी पासवर्ड है उनके जरिए लॉग इन करके अपना आईडी कार्ड डाउनलोड करके प्रिंट जरूरत नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर। और कोई? यस सर, नमस्कार सर, मैं रंजना शुक्ला। सर ये फेसबुक पे सारे रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगे क्या एमएचडी के? फेसबुक पे नहीं, आपको सर ने बताया कि ज्ञान कोश जो हमारा आइकन है, ज्ञान कोश पे सारे वीडियो जो हमारे पिछले सेशन से चलाए गए हैं वो अपलोडेड है, आप उसको देख के और आप वो वीडियोज को आप निकाल सकते हैं और उनके हिसाब से आप वो देख सकते हैं, वो कभी भी देख के यूट्यूब पे अपलोडेड है। और सर एमएसडी के सारे दूसरी बात है, रोज का रोज हम फेसबुक पेज पे अपने काउंसलिंग शेड्यूल को हम डाल रहे हैं फेसबुक पेज पे, भी आपको सर ने समझाया, उस फेसबुक पेज पे आप लॉग इन करके उनको पेज पे जाके आप उसे लाइक कर लीजिए जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आते रहे। ये याद रखिए कि 10 बार आप अपना फेसबुक देख रहे हैं तो एक बार इग्नू का फेसबुक पेज भी विजिट करते रहिए, आप अपडेटेड रहेंगे। जी सर, एक और क्वेश्चन है सर, क्या इग्नू की मतलब एमएचडी की कोई ऑनलाइन क्लास वगैरह ऐसी उपलब्ध है क्या? बिल्कुल, जो भी हम काउंसलिंग सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं आरसी वाराणसी का वेब पेज आपको सर ने दिखाया, उसमें काउंसलिंग सेक्शन में हम उसको लिस्ट को अपलोड कर देते हैं शेड्यूल, शेड्यूल से आप देख के वहाँ पे दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। अदरवाइज ज्ञान दर्शन और जो फेसबुक पेज पे काउंसलिंग चल रही है उन काउंसलिंग में भी भागीदारी कीजिए आप। सर एक बार नेटवर्क प्रॉपर नहीं था मेरे यहाँ तो एक बार फिर से आप मुझे लिंक प्रोवाइड कर देंगे क्या? किसका? ये सर ये ऑनलाइन जो वीडियोस है मतलब क्लास जो है उसके मतलब मिले? आप सारी चीज का भंडार igno.ac.in पे है, वहाँ ई ज्ञान कोश आइकन है उस पर क्लिक करके जब आप प्रॉपर नेटवर्क आ गए तो आप क्लिक करके वहाँ पे जाके देख सकती है, किसी का लिंक देने की जरूरत पब्लिक पे। जी सर, थैंक यू सो मच सर। सर ये एग्जाम इसका मतलब हेलो और ओके सर ओके धन्यवाद सर, गुड इवनिंग सर। सर एक सवाल मेरा था कि मेरा स्टडी सेंटर मिर्जापुर है, मिर्जापुर में एग्जाम होता नहीं क्योंकि बैचलर मैंने इग्नू से किया था,
मिर्जापुर में एग्जाम होता नहीं है, तो हम लोग को एग्जाम देने बहुत दूर जाना पड़ता है, या तो बनारस या तो गोपीगंज। तो क्या ये हो सकता है कि मिर्जापुर में भी एग्जाम हो? जी, इस बार एग्जाम सेंटर मिर्जापुर में बनाया गया है और अब से एग्जाम मिर्जापुर में भी होना शुरू हो जाएगा। सर एक सवाल और है कि अभी मैं एमएसडी कर रहा हूँ, तो क्या रेगुलर मोड से मैं बीएड कर सकता हूँ? करना नहीं चाहिए, दो डिग्री एक साथ यूजीसी के मानदंडों के अनुसार दो डिग्री एक साथ नहीं करनी चाहिए। आप एक डिग्री के साथ एक सर्टिफिकेट कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया आपको 2025 तक आपका एडमिशन वैलिड है, तो पहले आप बीएड कर लें, उसके बाद आप इग्नू का एमए कर सकते हैं। अगर आपको दोनों डिग्री साथ एक ही जगह नहीं करनी चाहिए, वैसे आप अगर कुछ आगे करना चाहे तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते उसमें, ठीक है ना? धन्यवाद। हाँ राजेश जी पूछिए। जी सर प्रणाम सर। ये सर हेलो। हाँ पूछिए पूछिए। जी सर असाइनमेंट जो लिखना है सर, तो अपने भाषा में लिखना है उसको, थोड़ा सा हमें ये समझना। बहुत अच्छा सवाल है। आपको अपनी ही भाषा में किताब से पढ़ करके किताब के कुछ शब्द आप ले सकते हैं, लेकिन भाषा आपकी अपनी हो तो वो असाइनमेंट अच्छा माना जाता है। जी 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 ठीक है ना। आप शब्द आप किताब से कोई शब्दों को आप चयन कर सकते हैं, जो भाई किसी शब्द का कोई विकल्प ही नहीं है, वो अनोखा है और तो वो आप हूबहू मतलब हूबहू वही कंटेंट नहीं।